बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? आपको मेरा नाम पता ही होगा। हाँ, मेरा नाम श्रद्धा उपाध्याय है, क्लास टीचर सीनियर केजी की। आज आपकी मैं वापस हिंदी में बोल रही है। हाँ, क्योंकि आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, और हिंदी में आज हम लिखेंगे स्वर। तो चलो मेरे साथ। एक खड़ी रेखा, उससे जोड़ के तिरछी रेखा, उसे ऐसे घुमाएंगे। एक खड़ी रेखा, उसे भी ऐसे घुमाएंगे। तो ये बन गया हमारा ए। चलो अभी मैं आपको बोर्ड में लिख के दिखाऊंगी कि ए कैसे लिखते हैं। खड़ी रेखा, फिर उससे जोड़ के तिरछी रेखा, फिर ऐसे घुमाएंगे। और एक खड़ी रेखा, उसे भी घुमाएंगे। इसे कहते हैं ए। ए से एक तारा। ये क्या है? एक तारा। अब हम सीखेंगे ए कैसे लिखना है। एक खड़ी रेखा, उससे जोड़ के एक तिरछी रेखा, उसे ऐसे घुमाएंगे। फिर एक खड़ी रेखा, उसे भी घुमाएंगे। और उसके ऊपर एक तिरछी रेखा। तो ये बन गया हमारा ए। तो अब हम लिखेंगे ए। ये है ए। हम वापस और एक बार लिखेंगे। देखो, एक खड़ी रेखा, उससे जोड़ के तिरछी रेखा, उसे घुमाएंगे। और एक खड़ी रेखा, उसे भी घुमाएंगे। और उसके ऊपर एक तिरछी रेखा। हमारा ए। ए से ऐनक। ए से ऐनक। अब हम लिखेंगे ए। ए से एक तारा। बोलो बच्चों, ए से एक तारा। अभी हम लिखेंगे ए। ए से ऐनक। ए से ऐनक। अभी एक के पत्थरों में रंग भरकर ऐरावत को बच्चों तक पहुंचने का रास्ता दिखाओ। तो ये क्या है बच्चों? ऐरावत। ऐरावत मतलब हाथी। और ये सब कौन है? ये सब बच्चे हैं। तो इसमें जहाँ पे ए लिखा है उसमें हम रंग भरेंगे। तो चलो देखते हैं कहाँ पे ए लिखा है। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये सब में हम रंग भरेंगे और ये ऐरावत को बच्चों के पास ले जाएंगे। अभी ये क्या है बच्चों? है ओ। तो उसको कैसे लिखना है? पहले हम लिखेंगे आ, और ऊपर एक
तिरछी रेखा। तो ये बन गया हमारा ओ, ओ से ओखली। अभी हम लिखेंगे ओ। पहले हम लिखेंगे आ, ठीक है, और इसके ऊपर एक तिरछी रेखा। तो ये बन गया हमारा ओ। चलो वापस लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों? पहले हम लिखेंगे आ, और इसके ऊपर एक तिरछी रेखा। तो इसे कहते हैं ओ, ओ से ओखली। इसको ओखली बोलते हैं, ओ से ओखली। अभी इसको क्या बोलेंगे? ओ। तो इसे कैसे लिखना है? पहले हम लिखेंगे आ, ठीक है, फिर एक तिरछी रेखा, फिर एक तिरछी रेखा। तो ये बन गया हमारा ओ, ओ से औषध, ओ से औषध। अभी हम इसको ओ को बुक में लिखेंगे। तो चलो अब हम ओ को बोर्ड में लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे आ, इसके ऊपर तिरछी रेखा और दूसरी तिरछी रेखा। तो बन गया हमारा ओ। चलो वापस लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे आ, इसके ऊपर एक तिरछी रेखा और एक तिरछी रेखा। तो बन गया हमारा ओ, ओ से औषध। ये क्या है? औषध, औषध मतलब दवाई। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम दवाई लेते हैं और उससे ठीक हो जाते हैं। ओ से ओखली। बोलो मेरे साथ बच्चों, ओ से ओखली। अभी ये क्या है? ओ। तो इसे कैसे लिखना है? ओ से औषध। क्या बोलेंगे? ओ से औषध। ठीक है बच्चों, अभी चित्रों के नाम बताओ। ओ, ओ से शुरू होने वाले चित्रों को अक्षर से मिलाओ। तभी ये क्या है? ये है औजार, ये है ओढ़नी, ये है औषध, ये है ओस, ये है औरत, और ये है ओखली। तो ओ से क्या होता है? ओढ़नी। तो हम इसमें लाइन खींचेंगे। फिर ओ से क्या होता है? ओस, ओ से ओस। दूसरा ओ से क्या होता है? ओखली। तो ये हो गया ओ से। अभी हम करेंगे ओ। ओ से क्या होता है? औजार। दूसरा ओ से क्या होता है? औषध। और ये क्या है? औरत। ओ से औरत। तो आशा करती हूँ आपको ये हिंदी का वीडियो पसंद आया होगा। ओके, बाय बाय।